नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। थाना प्रभारी श्वेता मौर्य एवं उनकी टीम के द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। फरियादी धनंजय पांडे पिता नंदलाल पांडे उम्र 45 साल निवासी ग्राम उधोपुरवा थाना महुगंज ने महुगंज में एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बैंक खाते से अलग अलग जगहों से 10-10 हजार रुपए करके कुल 40 हजार रुपए निकाल लिए गए थे। वही प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अगले दिन अज्ञात आरोपियों की तलाश के दौरान संदेहियों से पूछताछ की गई, जिनमें तीन आरोपी नकली बंद एटीएम कार्ड के पकड़ में आ गए। संदेहियों के सीरीआर विश्लेषण व मिले विड्रोवल की रसीद एवं पैसे के जुर्म प्रमाणित पाया गया। कड़ाई से पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार भी कर लिया है। बताया जाता है कि रीवा जिले के अतिरिक्त अन्य आसपास के जिलों में भी इस तरह के कई एटीएम कार्ड फ्रॉड की घटनाएं हो चुकी हैं। अब पूछताछ के लिए आरोपियों को पुलिस रिमांड में लिया जा रहा है। बताया जाता है कि आरोपी योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दे रहे थे। आरोपी हमेशा दो या तीन व्यक्तियों की टीम बनाकर चलते थे। टीम का एक व्यक्ति एटीएम बूथ के अंदर खड़ा रहता था तो दूसरा व्यक्ति एटीएम के बाहर मोटरसाइकिल पर बैठा रहता था और एक व्यक्ति मोड़ या तिराहे पर खड़ा होकर पुलिस और अन्य लोगों पर नजर रखता था। आरोपी पहले एटीएम बूथ को चिन्हित करते थे, विशेषकर उस एटीएम बूथ को जिसकी एटीएम मशीन में साइड में या सामने की ओर से बटन रहते हैं, और उसके बाद उस एटीएम बूथ में आने वाले विभिन्न व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्ति को टारगेट करते थे जो या तो बुजुर्ग होता था या फिर कम पढ़ा लिखा या फिर ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होता था। जैसे ही चिन्हित किया गया व्यक्ति एटीएम बूथ में आता है उसी समय इनके द्वारा एटीएम मशीन में साइड वाले बटन को 2-3 बार प्रेस कर दिया जाता था। इसके बाद जब चिन्हित व्यक्ति अपना एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में डालता है तब एटीएम मशीन विधिवत काम नहीं करती और इसी समय आरोपियों के द्वारा टारगेट व्यक्ति का पासवर्ड भी देख लिया जाता है। उसके बाद रुपए निकालने आए व्यक्ति का एटीएम को चेक करने के बहाने उसको बदल देते थे और फिर उसके खाते से रुपए निकाल लिए जाते थे। वहीं गिरफ्तार आरोपियों में से 28 की संख्या में एटीएम व लगभग 3000 रुपए पुलिस ने बरामद किया है। पूरा मामला क्या है? ये तीन आरोपियों को पकड़ा हुआ है जो एटीएम की धोखाधड़ी करते रहते थे। एक अभी धनंजय पांडे के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी कि उसका किसी ने एटीएम कार्ड को बदलकर और उसके अकाउंट से कुछ पैसे निकाल लिए हैं, और पहले भी पूर्व में भी ये अपना जो थाने के बगल से एटीएम है उसमें घटना एक दो हो चुकी थी, तो इस बार हम लोगों ने सख्ती से उस पर नज़र बनाई हुई थी। और जैसे ही हमें वहाँ पर कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ संदिग्ध व्यक्ति नज़र आए तो हमने उनको लाके थाने पर लाके पूछताछ की। पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपना एटीएम कार्ड बदलने का जुर्म जो था वो स्वीकार किया गया है, और उनके द्वारा हमें बताया गया है कि जो एटीएम मशीन रहती है तो उनके द्वारा ऐसी एटीएम मशीन को चिन्हित किया जाता है बूथ को जिसमें साइड में या फिर उसमें सामने की तरफ कुछ बटन रहते हैं, और उनके द्वारा ऐसे व्यक्ति को भी चिन्हित किया जाता था जो कि ग्रामीण परिवेश का हो या फिर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है या बुजुर्ग व्यक्ति है। तो जैसे ही वो व्यक्ति एटीएम बूथ के अंदर प्रवेश करता है तो उससे पहले ये इनका एक व्यक्ति जो टीम का मेंबर रहता था वो ऑलरेडी एटीएम बूथ में अंदर रहता था। जैसे ही वो व्यक्ति एंट्री करता था तो इनके द्वारा उस एटीएम मशीन के 2-3 बटन को लगातार प्रेस कर दिया जाता था जिसकी वजह से वो एटीएम मशीन कुछ समय के लिए विधिवत रूप से नहीं चल पाती थी, और जैसे ही वो व्यक्ति एटीएम अपने एटीएम कार्ड को उस मशीन के अंदर डालता था तो वो एटीएम कार्ड काम नहीं करता था। तो इनके द्वारा व्यक्ति को गुमराह करके जैसे साफ करने के बहाने से या फिर उस एटीएम को देखने के बहाने से उनसे एटीएम कार्ड ले लिया जाता था, और उसी दौरान उसका जो पिन नंबर था पासवर्ड जो रहता है वो पासवर्ड भी देख लिया जाता था और उस एटीएम कार्ड को बदल दिया जाता था। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।